क्या आपका लिंग सही से खड़ा नहीं हो पाता? क्या आप अपनी बीबी को खुश नहीं कर पाते हो? क्या डालते ही आपका पानी तुरंत ही निकल जाता? तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आज एक ऐसी टेबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप फुल रात एंजॉय कर सकते हैं और असर भी पूरे 24 घंटे आपको मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोबरा 200 के बारे में। दोस्तों, कोबरा अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मिला होता है। दोस्तों, इसमें कंटेंट पाया जाता है वो सिंडेलाफिल सिट्रेट होता है और इसको बनाती है हब फार्मा, इसे बनाती है दोस्तों, और इसको इसका प्राइस है 200 रुपये में आपको 6 गोली मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए। तो इसका उपयोग रेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो शीघ्र पतन की समस्या से जूझ जाते हैं, यानी योनि में डालते हैं, उनका पानी जल्दी छोड़ जाता है। दोस्तों, लिंग में जिसका कड़कपन नहीं बनता, उसका लिंग खड़ा नहीं होता है और जिसका जोश नहीं बनता है, दोस्तों ऐसे ही आदमी के लिए यह दवा होती है। अब बात करते हैं कि यह दवा किस तरह काम करती है। तो यह दवा हमारे पेनिस के ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिसके कारण से हमारे सेक्स टाइमिंग भी बढ़ जाती है और लिंग रात भर तना ही रहता है। दोस्तों दोस्तों अब बात करते हैं कि यह टैबलेट हमें कब खाना चाहिए। तो यह टैबलेट हमें सेक्स करने के कम 1 घंटे पहले हमें खाना चाहिए, तब हमको ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों पहले देखिए, दोस्तों यह दवा का प्रयोग आप 50 mg से ही करना चाहिए। 50 mg जब आपके बॉडी पर नहीं काम करेगा तो 100 mg का प्रयोग करें। अगर 100 mg से स्टार्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं होता है, पहले 50 से ही स्टार्ट करनी चाहिए। और 18+ उम्र के बच्चे ही इसका प्रयोग करना चाहिए और छोटे बच्चे इसका प्रयोग न करें, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस दवा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सिर में दर्द हो जाना, आँखों में धुंधलापन सा दिखना, मांसपेशियों में दर्द आ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, सीने में दर्द हो जाना, जैसी समस्याएं देखी जाती है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या दिखे तो डॉक्टर का परामर्श जरूर ले लें। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस दवा को नहीं ले सकते हैं। जैसे गंभीर रूप से पीड़ित रोगी, जैसे लीवर, हार्ट, किडनी वाले पेशेंट इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती है। अगर कोई ड्राइविंग कर रहे हो तो भी इस दवा का प्रयोग न करें, क्योंकि यह दवा खाने के बाद कभी कभी आंखों में धुंधलापन सा आता है तो आपको दिक्कतें आ सकती है। और शराब पीने वाले व्यक्ति भी इस दवा का प्रयोग न करें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।